जुड़ने वाला था कुणाल और कोहू का रिश्ता। शाह प्लस का सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में आ गया है रिश्तों वाला ट्विस्ट, क्योंकि मीनाक्षी सूर्यवंशी आई तो थी अपने बेटे कुणाल का रिश्ता कुहू से करवाने, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें मिष्टी पसंद आ जाती है और वो मिष्टी का मुंह मीठा कराकर कुणाल के साथ मिष्टी का रिश्ता जोड़ने की बात कहती है। मुझे आपकी बेटी पसंद है, मैं मिष्टी का हार कुणाल के लिए मांगती हूं। ठीक उसी तरह जैसे कोकिला मोदी ने अपने बेटे अहम का रिश्ता राशि की बजाय गोपी के साथ जोड़ा था। हाय नितेरा कुका 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 नितेरा। तो वहीं अबीर यानी शहीद शेख को मिल गई है एक नया साथिया। देखिए कैसे हेली दारूवाला के साथ ये डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। कसौटी की कुमुलिका यानी हिना खान आज इस खूबसूरत नाइट गाउन में दिखा रही है अपने होस्ट का जलवा। वैसे आपको बता दें कि डायरेक्टर विक्रम भट्ट की फिल्म में हिना खान जल्द नजर आएंगी, जिसमें वो एक फैशन मैगजीन की एडिटर की भूमिका में नजर आएंगी। उनका ये लुक देखकर यही कयास लगा सकते हैं कि एक फैशन एडिटर के किरदार में हिना खान दिखेंगी एकदम फैशनेबल। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने अपने शो द कपिल शर्मा शो में मनाया अपना प्री बर्थडे, अपनी रियल मम्मी को खिलाया केक। रेमो भी रहे इस जश्न में शामिल। देखिए कपिल के प्री बर्थडे की ये खास झलक। तो वहीं इस हफ्ते कपिल के शो में बॉलीवुड दीवास की महफिल जमेगी, जहां हेलन वेदा रहमान और आशा पारिक बनेंगी कपिल की मेहमान। तो वहीं इस एवरग्रीन तिकड़ी को ट्रिब्यूट करते नजर आएंगे कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह और सिमोना चक्रवर्ती। बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर और प्रज्ञा की अभी यानी शब्बीर आलूवालिया करने जा रहे हैं अपना वेब डेब्यू, जो ऑल्ट बालाजी के फिक्सर सीरीज में आपको नजर आएंगे। मुंबई में हुए मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड में नजर आए स्टाइलिश सितारे, जहां निया शर्मा, गौहर खान, करण टेकर, एकता कपूर, कपिल शर्मा, सनी लियोन, आशा नेगी ने दिखाया अपने स्टाइल का जलवा और साथ नजर आए बॉलीवुड के फिल्मी सितारे। करीबन कितने 2 महीने हो गए? 5 महीने हो गए। जी हाँ। तो अब ये बता, जिनकी नई नई शादी हो रही है उनको तू क्या कहना चाहेगा, क्या एडवाइस देना चाहेगा? कि जो तुमने किया बहुत सही किया है, मुबारक हो, यू हैव मेड द राइट चॉइस इन लाइफ। बस कोई और कोई एडवाइस बोलना, ये तो पता उनको, तो पता इसलिए तो उन्होंने किया है। अगर आप अय्याश हैं, अगर आप जिंदगी में सुधरना चाहते हैं तो कर लो शादी। ये बात आओ गले मिली।